Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि गाइज जो कि हमारी WWE गाइज, उन्होंने गाइज तब से रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बने, तब से ही गाइज हमारी WWE ने गाइज एक बहुत ही बड़ा चेंज कर दिया है रॉ के ब्रांड के ऊपर। और जो पहले WWE चैंपियनशिप रॉ की मेन चैंपियनशिप थी और वो चैंपियनशिप अभी रोमन रेंस के पास है स्मैकडाउन के ऊपर, इसलिए गाइज WWE ने एज अ चेंज आपको पता होगा कि उन्होंने यूनाइटेड चैंपियनशिप को मेन चैंपियनशिप बना दिया है रॉ के ब्रांड के ऊपर। क्योंकि गाइज लास्ट फ्यू मंथ्स में गाइज ये चैंपियनशिप होल्ड की है सेथ रॉलिंस, बॉबी लैशली जैसे बहुत ही बड़े बड़े स्टार्स ने। गाइज आज के एपिसोड में यही बात करने वाले हैं कि क्या हमको सर्वाइवर सीरीज में सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस उनके US चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिख सकते हैं या नहीं। सो गाइज पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के बने वाले फैन हो। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। अगर जरा रॉ का एपिसोड देखा हुआ कि जो बॉबी लैशली है गाइज वो बहुत ही पीछे पर है हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से कि उनको चाहिए उनकी US चैंपियनशिप वापस। लेकिन गाइस यही सेम टाइम पे गाइस सेथ रॉलिंस के पीछे ऑस्टिन थ्योरी भी लगे। अभी हमने पूरे चीज के बारे में बात कर दी, तो क्या हुआ गाइस लास्ट वीक रॉ के एपिसोड में हमारे सेथ रॉलिंस ने होस्ट किया था एक ओपन चैलेंज, वो ओपन चैलेंज आंसर किया हमारे ऑलमाइटी बॉबी लैशली ने। लेकिन उन्होंने तो गाइस मैच रेसल किया है, उन्होंने पटक पटक के मारा सेथ रॉलिंस को। फिर ये चीज का फायदा उठाने आए हमारे मिस्टर मनी इन द बैंक ऑस्टिन थ्योरी और उन्होंने उनकी MITB ब्रीफकेस कैशिंग कर दी सेथ रॉलिंस के ऊपर। और गाइस क्या होता है कि मैच स्टार्ट होता है, ऑस्टिन थ्योरी जीतने को आने ही वाले थे तभी गाइस बॉबी लैशली ने रेफरी को बाहर खींच लिया और उन्होंने पटक पटक के मारा ऑस्टिन थ्योरी को। लेकिन पूरा एक हमको एक ट्रिपल ट्रेड फ्यूड के ऐसा लग रहा है कि लेके जा रहा है, क्योंकि रॉ के एपिसोड में जो आज ही हुआ था उसमें गाइस बॉबी लैशली बोलते कि मुझे मेरा US चैंपियनशिप वापस चाहिए और ऑस्टिन थ्योरी ने सेथ रॉलिंस को अटैक किया रॉ खत्म करने के लिए। लेकिन शायद से ऐसे देख के लग रहा है कि हमको एक ट्रिपल ट्रेड मैच देख सकता है ये तीनों सुपरस्टार्स के बीच में सर्वाइवर सीरीज में, जहां पर US चैंपियन सेथ रॉलिंस उनके US चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे अगेंस्ट द ऑलमाइटी बॉबी लैशली एंड ऑस्टिन थ्योरी। अगर आप सोचते हो कि किसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं मैच में जीतने के, तो मुझे नहीं लगता कि अभी के लिए गाइस जब का कोई प्लान है कि वो सेथ रॉलिंस से US चैंपियनशिप लेने के। तब से गाइस सेथ रॉलिंस चैंपियन बने वो कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं गाइस, हमको US चैंपियनशिप को कितना स्पॉटलाइट आते हुए दिख रहा है। अभी के लिए तो देख के नहीं लग रहा कि हमारी जो WWE गाइस वो सेथ रॉलिंस से US चैंपियनशिप लेने वाले हैं, इसलिए गाइस मोस्ट प्रोबेबली अगर ये मैच हमें सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ही उनकी US चैंपियनशिप रिटेन करते हुए दिखने वाला है। और गाइज अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।